अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? होपफुली कि सब लोग ठीक होंगे। यार आज मैंने सोचा कि आपको एक विज़िट करवाया जाए यहाँ पे इस विलेज का जहाँ पे मैं रहता हूँ। कि संडे का दिन है आज और ठंड भी काफ़ी है और देखते हैं कि बाहर का क्या सीन है। मतलब शहर तो नहीं है, गांव टाइप है, विलेज टाइप, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कोई रश वगैरह होता है कि नहीं होता, दुकानों का क्या हिसाब है, यहाँ पे खुली हैं या बंद है। हालांकि आज संडे का दिन है तो नॉर्मल तो लोगों को छुट्टी है कामों से, तो लोगों को बाहर होना चाहिए। लेकिन आप होंगे हैरान, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके, जो इसका चौक है वहाँ पे चलते हैं। तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट तो ज़रूर किया करें, बहुत शुक्रिया। तो यार ये देखो, बिल्कुल सन्नाटा, कुछ भी नहीं, कोई इक्का दुक्का बंदे हैं रोड के ऊपर, दुकानें सारी बंद हैं और इतनी बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आज घरों में हैं, मज़े कर रहे हैं। और कोई अगर एक दो बंदे हैं तो वो मुझे देख रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है इधर सड़क के ऊपर, बिल्कुल खाली, दुकानें सब बंद आज का दिन। संडे का मतलब है संडे, छुट्टी, घर में रहो। ये दुकानें सारी की सारी काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जैसे ये दुकान है सी एंड ए, यहाँ पे बहुत बड़ी एक दुकान है कपड़ों की, मार्केट, ये भी बंद। मतलब उल्टा सिस्टम, इनको नॉर्मल तो संडे के दिन खोलनी चाहिए लेकिन संडे के दिन दुकानें बंद है यहाँ। तो ये है भाई यहाँ पे संडे का दिन, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है भाई, सब खाली खाली। और कौन कहता हो कि यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग रहते हैं। सब कुछ बंद, बारिश हो रही है, शायद कैमरे के ऊपर बारिश के कतरे पड़े हुए हैं तो इस वजह से मैं भी नज़र ना आ रहा हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई संडे का दिन है, लोग बाहर क्यों नहीं है जैसे हमारे कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में लोग होते हैं। तो भाई यहाँ पे जो संडे का दिन है वो छुट्टी का दिन है, और छुट्टी का मतलब है छुट्टी। छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम से छुट्टी और बाद में आवारा गर्दी, छुट्टी का मतलब है हर काम से छुट्टी, सिर्फ घर में। और इवन कि आज कोई भी दुकान या शॉप खुली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मे भी जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो डिलीवरी करते हैं खाने पीने की चीज़ें, छोटे मोटे शॉप्स, वो खुली हैं, और अदरवाइज सब कुछ बंद है आज। ट्रैफिक भी बहुत कम है, जो पब्लिक के लिए ट्रैफिक है, ट्रेन नहीं है, बसें, वो भी आज कम है, मतलब छुट्टी है टोटल। इस टाइम पे सिर्फ आपको जब आप बाहर निकलेंगे संडे के दिन तो आपको हर जगह पे गाड़ियाँ गाड़ियाँ नज़र आएंगी खड़ी, गाड़ियाँ गाड़ियाँ हर जगह पे फुल। इधर ये छोटी सी पार्किंग की जगह है और यहाँ पर हर जगह आपको गाड़ियाँ गाड़ियाँ नज़र आएंगी। पहले मैंने भी देखी है, गौर से देखे जरा, ये लिखा हुआ बेस्ट है 899 की, 1295 से काट के ये यूरोज़ में है। और ये वाली जैकेट है जी, 1295 यूरो की जैकेट, इसमें क्या लगा हुआ है मुझे ये आप देख के बताएं। और जो इसकी शर्ट है वो 157 यूरोज़ की है, ठीक है जी। और जो जूते हैं, ये जूते जो पड़े हैं ये तकरीबन 500 यूरोस पे लगे हुए हैं, मतलब हद है यार, इधर भी आती है हद है यार, 1300 यूरो की एक जैकेट, वो भी एक नॉर्मल सी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कुछ ऐसे लोग लेते होंगे जो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा इस तरह की चीज़ लेते हैं और फिर उन्होंने कभी नहीं लेनी है, मतलब सरप्राइजिंग है, हैरान कुन। ये चौक है, ये भी खाली खाली, और एक ये इधर साइड पे है सड़क। नॉर्मल यहाँ पे इतना रश होता है कि आप खड़े नहीं हो सकते, और आज बिल्कुल खाली। वैसे बारिश के बहुत सारे फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि गाड़ी जो है, अगर आपने ऐसे सड़क के ऊपर पार्क की हुई है तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद ही धुल जाती है। हाँ लेकिन अंदर से तो आपको खुद ही साफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन बाहर का ये है कि अगर बारिश हो रही है तो फिर आपके पैसे बच सकते हैं। आप ऐसे गाड़ी अगर आपने खड़ी की है, 2 घंटे के बाद आएँ, आपको गाड़ी धुली धुलाई मिलेगी। ये अलग बात है कि अगर आप वो गाड़ी लेकर सड़क में जाएंगे तो अगले 1 घंटे के अंदर अंदर सारा जो सड़क के ऊपर कचरा होता है, जो मिट्टी होती है, वो पड़ेगी ऊपर और आपकी गाड़ी पहले से भी ज़्यादा गंदी हो जाएगी। ये मेरे घर के पास एक कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ और इसको तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, और इन्होंने काफ़ी काम खींचा है। काफ़ी अच्छा मकान है ये बन रहा, बहुत ज़बरदस्त, और मुझे लगता है इस बंदे ने काफ़ी पैसा लगाया इसके ऊपर। तो भाई मैं आ गया हूँ अभी घर, क्योंकि बाहर ठंड भी थी, बारिश भी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा रैंडम एक बार का जो है वो चक्कर लगवा के आऊँ। तो बारिश बहुत ज़्यादा थी, ठंड भी थी, और ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुक सकते थे, और वहाँ पे
शूट वीडियो तो बिल्कुल नहीं बन सकती थी जितनी मुझसे बन सकी मैंने बनाई आपको दिखाने के लिए। तो अभी घर हूँ, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है, संडे का दिन है आज, सब कुछ बंद है, जा नहीं सकते, तो आज का दिन घर पे रहना पड़ेगा। शायद अभी मैं कोई मूवी देखूँगा। और ये है कि अभी रूहान जो है वो खेल रहा है, मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ उसकी। रूहान बेटा अस्सलाम वालेकुम बोलो, इधर आओ, इधर आओ बेटा, अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, रूहान का मूड नहीं अस्सलाम वालेकुम बोलने का, जब इसका दिल करता है तब ही अस्सलाम वालेकुम बोलता है, नॉर्मली अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलता। तो जैसा कि मैंने कहा कि बाहर सब कुछ बंद है, सिर्फ और सिर्फ जो दुकानें खुली हैं या तो कॉफ़ी शॉप्स खुली हैं या फिर छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, क्योंकि लोग जो हैं अभी तक सोए होंगे। और घर में आज लोग खाने का बहुत ज़्यादा ऑर्डर करेंगे घरों पर, क्योंकि संडे के दिन लोग जो हैं वो ज़्यादातर खाते भी नहीं हैं, खुद पकाते भी नहीं हैं जो लोग काम करते हैं। तो आज का दिन जो है चांदी होगी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि लोग अगर जाएंगे बाहर तो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए जाएंगे, या फिर मोस्टली जो लोग हैं वो घरों में ऑर्डर करवाते हैं ताकि डिलीवरी की जाए उनके घरों में खाने की, और फिर वो वहाँ से खाते हैं। तो आज की वीडियोज़ करते हैं यहीं पर ख़त्म। आज की वीडियो बहुत छोटी होगी क्योंकि जस्ट एक रैंडम ट्रिप था, और होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा। जो लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।